कुछ हो ही नहीं सकता। अगर माँ है तो सब कुछ है, उसकी मोहब्बत के आगे सारी दुनिया की मोहब्बत फेल। सही बात है वो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो रोज की जैसे मेरा रूटीन चालू हो चुका है, ये मैं सब बर्तन वगैरह धो रही हूँ क्योंकि अभी मेरा पकाने का लगभग काम हो चुका है, सिर्फ खाना बनाना है। और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया। आज मैं आपके साथ दोस्त की बातें शेयर करूंगी कल के जैसे, और साथ में काम भी करते जाऊंगी क्योंकि मैंने सोचा इसी के लिए मैं कुछ ना कुछ टॉपिक लाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी सबको पता है बर्तन धो रही हूँ, इसमें क्या बताना भाई, बर्तन ही धो रही हूँ, सही है ना। तो अंधे थोड़े देख रहे हैं ना, बर्तन धो रही थी इसमें मैं क्या बोलूँ कि हाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। इसके लिए कुछ टॉपिक अलग से, ऐसे टॉपिक पे मैं बात करूँ जिससे किसी का मोटिवेशन बढ़े, कुछ अच्छी बातें यानी आपके साथ में करूँ। इसके लिए मोली ये सब बताने से अच्छा है कि मैं कुछ नए नए रोज़ टॉपिक लाऊं और उसी से आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ बातें करूँ, और साथ में ये भी सब लोग भी हो जाएगा और आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएगी कुछ अच्छी खट्टी मिट्टी। देखो मेरा मिट्टू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और इसको मेरे को अलग से करनी ही पड़ती है। तो आप देख रहे हो मैं हाई वाई सब चढ़ा रही हूँ, ब्रेड व्रेड का सब काम हो, नाश्ता बन रहा है मेरा। तो आप थंबनेल से जो वैसे समझ चुके होंगे कि मैं आज आपके साथ किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आज आपके साथ माँ के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद मम्मी से मिलूँगी, गए हुए थे उनके बिना घर सुना था, अच्छा नहीं लगता है। चाहे दुनिया की हर चीज़ हमारे पास हो, लेकिन अगर घर में मम्मी नहीं हो तो ऐसा लगता है कोई भी नहीं है। आप लोगों को भी चाहे यकीन नहीं हो तो आपकी भी मम्मी कहीं जाती होगी, तो जैसे भले ही शादीशुदा हो कुंवारे हो, बच्चे हो, बच्चों को तो जैसे होती है लेकिन बड़ों को भी माँ की ज़रूरत है। माँ के बिना घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माँ अगर है अकेले भी है तो हम उनसे सब दिल की बातें शेयर करते हैं और ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे साथ। इसके लिए हमेशा अपनी मम्मी का ख्याल रखें और हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, क्योंकि कभी ना कभी हमको भी वो मुकाम मिलने वाला है। और ऊपर वाले ने तो साफ साफ कहा है, हदीस में भी लिखा है, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, और लिखने की क्या बात है, ये तो हकीकत है भाई। जो हम देंगे वो हमको मिलेगा। हम अगर माँ बाप की इज्जत करेंगे तो आगे चलकर होने वाले बच्चे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ वो भी करेंगे जो हम हमारे माँ बाप के साथ करेंगे। ये दुनिया का रूल है, कर्म हमेशा सामने आता है। इसके लिए हमेशा अपना अगर फ्यूचर सुधारना है, ऐसा नहीं कि मतलब है। तो हमेशा अपने पेरेंट्स को खुश रखो, आपके बच्चे भी आपको हमेशा खुश रखेंगे। तो बात ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे बलिदान दिए होते हैं तभी वो जाके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, बहुत सारी नींदें खराब करके। ऐसे नहीं हम लोग बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई सब कर लिया, आज हम जहाँ पे भी हैं उन्हीं की बदौलत है, वरना हम आज पता करते। इसके लिए हमेशा पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, भले वो दूर हो या पास हो, हमेशा उनका ख्याल रखिए।
तो आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। और ये मैं प्याज काट रही हूँ, दोपहर का हो चुकी है। मेरे घर से बालकनी से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रोज मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? होपली आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। मैं आपको रीज़न बताऊँगी और उसी टॉपिक पर मैं आपके साथ बात भी करूँगी। तो मैं हूँ आपकी एस खान, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपके सामने फिर से न्यू व्लॉग के साथ में जुड़ चुकी हूँ और उम्मीद है आप भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप भी सुनोगे तो आप भी यही कहोगे, हाँ भाई ये तो खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, चलो मैं अंदर ही जाती हूँ। फ्रेंड्स, आज है ना, आज मेरी मम्मी आने वाले हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आज मेरी मम्मी आ रहे हैं और बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, एक्साइटेड हूँ। और उन्हीं के आने की खुशी में आपने देखा मैंने गाजर का हलवा बनाया है। और नहीं, आप आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी के लिए जो चीज़ें वो मैं शेयर कभी नहीं करूँगी, चाहे आप बुरा मानो। क्योंकि मम्मी के प्यार तो हम कभी भी शेयर नहीं कर सकते, मम्मी का प्यार मम्मी का प्यार होता है। और इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, फिर मैंने यहाँ से आया। और क्योंकि मम्मी तो मम्मी होते हैं, उनसे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, आपको भी पता है। क्योंकि कल के परसों मैंने आपसे एक टॉपिक पे बात की थी कि किसी की ख्वाहिश पूरी करो। तो बेबी, एक सेकंड फ्रेंड्स, बेबी लाइट ऑन कर दो बड़ी वाली। फ्रेंड्स, मैं फटाफट बोलूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिला इसके लिए। सुबह से मैं तैयारी में लगी हुई थी। और तो फ्रेंड, मैं बता दूं, मेरी मम्मी राजस्थान से आएंगे। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ कल परसों के मैंने ऐसे बोला था कि किसी की ख्वाहिशें पूरी करो। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, अगर आपको दुनिया में और आखिरत में दोनों जहां में आपको अगर कामयाबी पानी है, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, आप अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, खास करके मम्मी की। वैसे तो दोनों की करना चाहिए, क्योंकि माँ जैसी धरती पे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। माँ से बढ़कर प्यार कोई हमको दे ही नहीं सकता। इसके लिए अगर आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करनी है, ऊपर वाले को खुश करना है, तो अपने मम्मी को खुश रखिए हमेशा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, इंशाल्लाह आपको उनको खुश रखने से आपको इतनी खुशी मिलेगी ना कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। मेरे पास लफ्ज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है। और ये मैं दावे से कहती हूँ, ऊपर वाला आपकी हर मनोकामना, हर दिल की इच्छा ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आप एक माँ को खुश रख रहे हो। क्योंकि जब आप माँ को खुश रखोगे, तो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आसमान का सीना चीर के जाएगी। ये मैं दावे से कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, घर का हालात कैसे भी हो। अक्सर देखा जाता है कि शादी होने के बाद लड़कों का यानी भाभी सब आ जाते, आप अपनी जगह पे कायम रहोगे, भाई मेरी तो माँ है। आप दोनों के बीच में 19-20 हो रहा होगा, सबको चलता है यार, नॉर्मल है। लेकिन मैं अपनी माँ से नहीं, उसको अपने हाथों से खाना खिलाइए, प्यार दीजिए, उनकी हर इच्छा है, छोटी बड़ी कुछ नहीं करना है आपको, खाली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है उनके साथ में। तो मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लगे, अगर मैं सही हूँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो आज़ान हो रही है, इसके लिए मैं यहीं पे टाटा बाय बाय बोलती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दिल से।